हेलो दोस्तों, आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज का जो मुकाबला है वो आईपीएल का 32वां मुकाबला है और ये जो मुकाबला है वो गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में होगा। ये मैच गुजरात के घर यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। अगर हम दोनों ही टीमों का पिछले मैच की बात करें तो दोनों ही टीमें पिछला मैच अपना जीत करके आ रही हैं। जहां एक और गुजरात ने राजस्थान को पिछले मैच में हराया था, वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने लखनऊ को बुरी शिकस्त दी थी और इसलिए ये कहा जा सकता है कि दोनों ही टीमें जो हैं वो कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं और शानदार मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा। अमूमन अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू जो मैचेस है बहुत अच्छे हो रहे हैं। कल ही जो मैच था केकेआर और राजस्थान रॉयल का, वो शानदार मैच था। पहले सुनील राणा ने शतक लगाया और उसके बाद बदले में फिर जब जिस तरह से जॉस बटलर ने बल्लेबाजी, कमाल बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों ही टीम के द्वारा, और राजस्थान ने इस मैच को जीत दिया कोलकाता के घर में जाकर के। तो इस साल का जो सीजन है वो कहा जा सकता है कि लगभग सभी टीमें जो है वो घर में भी अपने हार रही हैं। कोई किसी को भी बहुत ज़्यादा घर का एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये कहना उतना उचित नहीं होगा कि गुजरात का घर है, अपने घर पे खेल रही है तो उतनी स्ट्रांग होगी। सीजन ऐसा जा रहा है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय न व्यर्थ करते हुए हम इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और लास्ट में हम आपको बताते हैं कि प्रेडिक्शन क्या कहती है। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं मैच डिटेल क्या है और उसके बाद हम बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो मैच डिटेल देख सकते हैं, 32वां मुकाबला है, 17 तारीख को खेला जाएगा यानी आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, और 7:30 बजे चालू होगा शाम को। स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा में आप इसको देख सकते हैं। हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे गुजरात का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ दिखता है। 3 मैच हुए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, जिसमें 2 में गुजरात को जीत मिली है, वहीं 1 मैच में दिल्ली को जीत मिली है। सम इम्पॉर्टेंट स्टैट्स, 2022 के बाद से केवल 3 बल्लेबाजों ने आईपीएल में 40 से अधिक की औसत और 140 की ऊपर की स्ट्राइकिंग के साथ साथ कम से कम 1000 रन बनाए हैं। गिल उन बल्लेबाजों में से एक है। तीनों मैट्रिक्स में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, तो गिल का जो प्रदर्शन रहा है वो काफी अच्छा रहा है और उनसे एक अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद गुजरात टाइटंस करेगी। कैप्टन्स के इन फॉर्म बल्लेबाजों में से एक क्रिश्चियन स्टफ का राशिद पर पलड़ा भारी है। स्टफ ने T20 में टाइटंस के लेग स्पिनर की 9 गेंदों का सामना किया है, लेकिन उन पर 32 और उस पर 22 रन बनाए हैं, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं। तो राशिद खान का जो रिकॉर्ड सबके सामने अच्छा नहीं है। उम्मीद करेंगे कि क्लैश होगा तो हमें एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। कैप्टन्स के ज्यादातर गेंदबाज मिलर के खिलाफ सावधान रहना चाहेंगे। ईशान शर्मा के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 288 का है, जिन्हें उन्होंने T20 में 9 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्के लगाए हैं। दूसरी ओर मुकेश कुमार 8 गेंदों में 24 रन, मुकेश कुमार के खिलाफ 8 गेंदों में 24 रन बनाकर के आउट हुए हैं। मिलर ने खलील अहमद और अक्षर पटेल के खिलाफ भी क्रमशः 171 और 168 रन बनाए हैं। तो थोड़ा सा जो दिल्ली के जो गेंदबाज हैं उनको डेविड मिलर के सामने थोड़ा सा संभल के रहना होगा, उनके खिलाफ एक अच्छी प्लानिंग से गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। गुजरात का ये फुल स्क्वाड है, आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं कि प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। शुभमन गिल कप्तान है, रिद्धिमान साहा में, क्योंकि बीआर शरद का अगर आप देखें तो उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो शायद रिद्धिमान साहा की वापसी देखने को मिल सकती है। साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन और मोहित शर्मा बाद में इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में बाहर चले जाएंगे और उनकी जगह पर किसी न किसी बल्लेबाज को शामिल किया जाएगा। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दिल्ली का फुल स्क्वाड, आप देख सकते हैं। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। पृथ्वी शॉ अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं फिलहाल। अभिषेक पुरेल, शे होप, ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर, ट्रिस्टन सब्स्ट, अक्षर पटेल, जेक फ्रेजर मैगर, क्या शानदार उनका आईपीएल डेब्यू है। पिछले मैच में आपने देखे कमाल बल्लेबाजी की है, तो उनसे एक अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद करेगी दिल्ली कैपिटल्स। कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद, तो ये है दिल्ली की प्रोबेबल 11। इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं कि प्लेयर्स टू वॉच। पिछले आईपीएल में शीर्ष 3 विकेट लेने वाले सभी खिलाड़ी टाइटंस से थे। उनमें से एक मोहित शर्मा ने भी इस सीजन में अच्छा समय अभी तक बिताया, मतलब अच्छी गेंदबाजी की है। मोहम्मद शमी की अनुपस्थिति और हार्दिक पांड्या के कुछ समर्थन कारण मोहित इस साल टाइटंस के प्रमुख विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनके 8 विकेट 27 रन बनाए हैं, हालांकि उन्होंने 9.39 रन प्रति ओवर की दर से विकेट लिए हैं, लेकिन जब मोहित अहमदाबाद में गेंदबाजी कर रहे होते हैं तो उनका औसत जो है वो घटकर 13.3 का हो जाता है और फिर इकोनॉमी जो है वो 7.82 की हो जाती है। इसकी उम्मीद यही है कि मोहित फिर से अपने जो वेरिएशंस है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे या प्रभाव डालेंगे। जैक फ्रेजर मैकगर्क अपने आईपीएल डेब्यू में कैपिटल्स को जीत दिलाने
से एक दिन पहले 22 साल की हो गए जब उन्होंने 35 गेंदों में 55 रन बनाए, लेकिन वे पहले से ही कुछ स्टारडम का आनंद ले रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में मैगर ने एबी डिविलियर्स के 31 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए केवल 29 गेंदों में लिस्ट शतक बनाया था। इस साल फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने दूसरे वनडे में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ केवल 18 गेंदों में 41 रन बनाए। मार्श और वार्नर के गायब होने से जैक फ्रेजर मैगर कैपिटल्स को अंक तालिका में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक चिंगारी प्रदान करेंगे, मतलब जो फायर की जरूरत है वो प्रदान करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि पिछला मैच अच्छा था। उम्मीद यही करेंगे कि दिल्ली कैपिटल्स भी एक और अच्छे प्रदर्शन की उससे उम्मीद करें, मैच जिताऊ जिस तरह पिछले मैच में खेला था। पिच रिपोर्ट। अहमदाबाद में दो मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 168 और 162 का स्कोर देखा गया, लेकिन जब टाइटंस पंजाब किंग्स के खिलाफ खेल रहे थे तो ये जो आंकड़ा था वो 199 तक पहुंच गया था। पिछले दो गेम लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि पहला गेम केवल 6 रन से हार गई। इसलिए उम्मीद यही करेंगे कि टॉस जीतने वाली जो टीम रहेगी वो पहली गेंदबाजी करेगी और आपको यहाँ पे भी हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। ग्राउंड स्टैट्स भी देख लेते हैं। 3 मैच हुए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें से पहली बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मैच जीता है, वहीं दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग का स्कोर अगर आप देखेंगे तो 176 है। दूसरी टीम का अगर आप एवरेज स्कोर देखेंगे तो 170 है। हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड किया था पंजाब किंग्स ने चेस करते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ। गुजरात टाइटंस ने इस मैच में 199 बनाए थे और उसका सफल चेस कर लिया था पंजाब किंग्स ने। लोवेस्ट टोटल रिकॉर्ड किया था एमआई ने 162 रन 9 विकेट के नुकसान पे गुजरात टाइटंस के खिलाफ। तो ये रहे ग्राउंड स्टैट्स। और आखिरी में देख लेते हैं कि फैंटेसी टीम क्या हो सकती है। मैंने ऋषभ पंत को विकेट कीपर के रूप में जगह दी है। वहीं बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल, बी साई सुदर्शन, जेक फ्रेजर मैगर और पृथ्वी शॉ को मैंने जगह दी है। ऑलराउंडर्स में राशिद खान और अक्षर पटेल हैं। बॉलर्स की बात करें तो खलील अहमद, कुलदीप यादव, नूर अहमद और मोहित शर्मा को मैंने जगह दी है। वहीं कप्तानी की बात करें तो मैंने इस बार कप्तान जैक फ्रेजर मैगर को बनाया है और उप कप्तानी मैंने ऋषभ पंत को दी है। तो ये है मेरी फैंटेसी 11 की टीम, और अगर आपकी टीम इससे अलग है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी टीम लिख करके जरूर बताएं। और प्रेडिक्शन की बात करें तो दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छा खेलते हुए नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अमूमन जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि ये साल जो घर पे खेल रही है टीम उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से खेल रही है गुजरात टाइटंस उसका पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है, तो मुझको ऐसा पता नहीं लगता है कि गुजरात टाइटंस मैच को जीतेगी। आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और नहीं पसंद आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मत लाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट में आप हमें जरूर बताइए कि हम अपने कंटेंट को और कितना इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप इंजॉय करिए मैच, हम भी इंजॉय करेंगे और उसके बाद लाइव सेशन में जुड़ेंगे, पूरे मैच का लेखा जोखा लेकर के आएंगे। तब आप हमारे साथ जुड़ करके आपके मन में कोई सवाल होगा इस मैच से रिलेटेड या अन्य किसी चीज से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छे सवालों को हम पिक करके वहाँ पे आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।